पहले विद्या आपका रुख करते हुए, क्योंकि अगर शरद पवार ये दावा कर रहे हैं कि नंबर्स उनके साथ हैं, तो इतने बड़े बड़े पोस्टर मुंबई में लगाने की और सुप्रिया सुले की अपील करने की जरूरत क्यों पड़ गई है? अब देखिए, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, बहुत ऐसे समर्थक हैं जो गांव-गांव में बसते हैं, जो वहां से अब आएंगे, उनको वहां से आने की जो प्रक्रिया है बुलाने की, इस वजह से ये वीडियो जारी किया गया था। इसके अलावा पोस्टर्स उनके समर्थकों ने लगाए हैं, उन्होंने खुद नहीं लगाए। अगर आप देखें हर पोस्टर पर, जैसे ये अगर आप बाहर देख लीजिए, बाहर का जो पोस्टर है उसमें नितिन देशमुख करके समर्थक है, उसने जो कार्याध्यक्ष है राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का, उसने लगाया है। तो अलग अलग समर्थकों ने पूरे सिल्वर ओक के बाहर कई सारे इस तरह से पोस्टर्स लगाए गए हैं। वहीं एक तरह से कह लीजिए पोस्टर वॉर ही शुरू हो गया है, क्योंकि जो दूसरी पार्टी के जो समर्थक हैं, जैसे कि जो कह लीजिए हसन मुशरिफ हो या फिर बाकी और जो नेता हैं जो दूसरे पक्ष में चले गए हैं, उनके समर्थकों ने भी पोस्टर लगाया है। तो कई तरह से कह लीजिए कि सिल्वर ओक के बाहर एक पोस्टर वॉर है। हालांकि यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ शरद पवार के समर्थन में हैं लोग, लेकिन आगे अगर हम बढ़ते हैं तो काफी सारे अलग अलग लोगों के पोस्टर्स भी हैं, लेकिन तैयारियां दोनों पक्ष की तरफ से एक ही है। अजीत पवार खेमा भी यही कह रहा है कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायक हैं। यहां पर भी ये कह रहे हैं कि विधायकों और दूसरे जो पार्टी लोग हैं, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के जो लोग हैं, वो सब के सब इनके पास है। ठीक है, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। पंकज, अब अजीत पवार के दावों के बारे में बताएंगे। पंकज, ये बार बार अजीत पवार ने कहा कि बस हमारे साथ है, लेकिन जो 9 लोग जिन्होंने शपथ ली, उसके अलावा बाकी चेहरे कहां हैं? वो क्यों गुम है? क्या वो आखिरी मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि किधर पलड़ा भारी होता है? ये माजरा दरअसल क्या है, क्यों वो सामने नहीं आ रहे? देखिए, सीधी सीधी बात ऐसी है कि एनसीपी पार्टी में इस वक्त आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है, एक ऐसे समय में जब एनसीपी सरकार में भी है और ऑपोजिशन में भी है ये कहती है, एक ऐसे समय में जबकि नेतागण, दो दो नेतागण कहते हैं कि पार्टी के ऊपर उनका रिप्रेजेंटेशन है, एक ऐसे समय में जबकि दोनों फैक्शंस ने अपने अपने व्हिप को व्हिप की घोषणा कर दी है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि अजीत पवार खेमा कहता है कि उसके पास 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन मौजूद है, दूसरी तरफ शरद पवार खेमा कहता है कि 9 विधायकों को छोड़ दिया जाए तो बाकी तो उसके साथ है। इस वक्त में अजीत पवार के घर के सामने, देवगिरी के सामने मौजूद हूं और यहां पर सुबह सवेरे से जितने कार्यकर्ता हैं वो प्रदेश के अलग अलग इलाकों से यहां पर मौजूद हैं। लेकिन जो पोस्टर है जो आप सवाल कर रही थी उसी को दर्शाएगा एक बार ये बस निकल जाए, क्योंकि छोटा सा यहाँ पर इलाका है और यहाँ पर काफी ट्रैफिक जाम हो गया है, क्योंकि जैसे कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं पोस्टर पर नजर डालते हैं। देखिए, जो पोस्टर लगाया गया है अजीत पवार के घर के आगे, यहाँ पे भी यहाँ पर हमें राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार नजर आते हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे हैं, जो एनसीपी के इस वक्त नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं सुनील तटकरे मौजूद हैं। ठीक है, अब नजर डालिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 लोग कौन हैं? धनंजय मुंडे हैं, हसन मुशरिफ हैं, दिलीप वलसे पाटिल हैं, छगन भुजबल यहाँ पर नजर आते हैं, आत्माराम जी यहाँ नजर आते हैं, आत्माराम भगवान राव, अदिति टक्करे हैं, यहाँ पर सुनील भंसोड़े हैं और अनिल पाटिल हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने शपथ ली थी, इसके अलावा कोई चेहरे इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। तो आज जो होने वाला है 11 बजे यहां पर तमाम जितने कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो बांद्रा की तरफ कूच करेंगे अजीत पवार की अध्यक्षता में। 11 बजे हमें पता है कि शरद पवार जो है वाईबी चौहान सेंटर में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे।